तो फिर से मोटर यूट्यूब चैनल वालों को आज हम बात करेंगे शेयर्स वर्सेस डिबेंचर्स के बारे में। देखिए, अगर बेसिस के कहा जाए तो शेयर्स एक पार्ट होता है ओन कैपिटल का, ठीक है, और जबकि डिबेंचर एक प्रकार का लोन ही होता है। रिवार्ड्स की बात की जाए तो शेयर्स डिविडेंड होता है और डिबेंचर्स फिक्स्ड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है। और अगर शेयर्स जो है रेट ऑफ डिविडेंड पे सबसे ज़्यादा होता है जबकि डिबेंचर्स में कोई चेंजेस नहीं होते। अगर चार्ज वर्सेस अप्रोप्रिएशन में बात की जाए तो डिविडेंड को पेड नहीं किया जा सकता जब तक प्रॉफिट ना हो। और डिबेंचर की बात की जाए तो ये प्रॉफिट का नो प्रॉफिट के अनुसार ही चलता है। तो अगर पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट की बात की जाए तो इसमें प्रायोरिटी नहीं होती है शेयर्स में पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पे, जबकि डिबेंचर्स में प्रायोरिटी देते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल की बात की जाए तो पेमेंट शेयर कैपिटल के पेमेंट जो कि रिप्लेसमेंट ऑफ डिबेंचर्स के बाद में दिया जाता है, जबकि डिबेंचर्स में जो पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल का होता है वो पहले ही दिया जाता है। सिक्योर्ड बाय चार्ज की बात की जाए तो शेयर्स का जो सिक्योरिटी बाय चार्ज होता है वो नहीं होता है जबकि डिबेंचर्स में यूजली ये चार्ज करते हैं। रिस्ट्रिक्शन की बात की जाए तो शेयर्स का जो डिस्काउंट होता है उस पर रिस्ट्रिक्शन इशू किया जाता है शेयर्स में, जबकि डिबेंचर्स में जो कंपनी जो परचेज कंपनी द्वारा जो परचेज किए जाते हैं पोस्ट होते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो ये मेन डिफरेंस होते हैं शेयर्स और डिबेंचर्स में, ये मेन डिफरेंस होते हैं। जहाँ पे शेयर्स का होता है प्रोप्राइटर ऑफ द कंपनी होती है, यानी कि कंपनी के मालिक होते हैं, जबकि डिबेंचर्स क्रिएटर्स होते हैं कंपनी के। शेयर्स में क्या होता है ये प्रकार का डिविडेंड होता है और डिबेंचर्स में क्या होता है एक प्रकार का इंटरेस्ट होता है। शेयर्स में अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पर देखते हैं जबकि डिबेंचर्स में अगेंस्ट प्रॉफिट पर चार्ज करते हैं। शेयर्स में अनसिक्योर्ड होते हैं जबकि डिबेंचर्स में मोस्टली सिक्योर्ड ही होते हैं। अगर शेयर्स में बात की जाए तो राइट टू मीटिंग, मतलब वो मीटिंग और वोट को मीटिंग भी अटेंड कर सकते हैं और वोटिंग भी कर सकते हैं, जबकि डिबेंचर्स ना मीटिंग अटेंड कर सकते हैं ना वोट दे सकते हैं। शेयर्स में जो लास्ट क्लेम अमाउंट होता है वो उसे कैपिटल कहते हैं, जबकि डिबेंचर्स में जो फर्स्ट क्लेम अमाउंट होता है उसे कैपिटल कहते हैं। शेयर्स में कोई चार्ज नहीं होता है एसेट ऑफ द कंपनी में, जबकि डिबेंचर्स में चार्ज होता है जो एसेट की कंपनी के एसेट पर रिलेटेड किया जाता है उस पर चार्ज लिया जाता है। तो ये मेन डिफरेंसेस होते हैं शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।